नमस्कार दोस्तों, भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में एक कॉरिडोर पर आम सहमति बनी और वो है मिडल ईस्ट कॉरिडोर, यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिससे कि करीब भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को जो है सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं चीन की विस्तारवादी को जो है चोट पहुंचाएगा और इन सभी देशों को बंदरगाह और रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा। और ये कॉरिडोर बनने के बाद ना कहीं समय और धन दोनों की बचत होगी, क्योंकि जो पहले किसी सामान को जर्मनी जाने में 36 दिन लगते थे, 14 दिन की कमी आ जाएगी इस कॉरिडोर बनने के बाद। कहीं ना कहीं ये फ़ायदा जो है इन सभी देशों को होने वाला है और व्यापार में भागीदारी इन सभी देशों की एक दूसरे से बढ़ जाएगी, जिससे कि इन देशों में और ज़्यादा मजबूती से आर्थिक संबंध बढ़ेंगे। हाल ही में रूस से इस गलियारे के बारे में पूछा गया तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मिडल ईस्ट कॉरिडोर से किसी भी प्रकार को रूस को घाटा नहीं होगा। हाँ, इसकी बातचीत पहले से ज़रूर चल रही थी और अमेरिका जो है इससे अंतिम समय में जुड़ा है, तो जिस लाभ के कारण अमेरिका जुड़ा है उसको उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है।